शंकर जी, आपके पास चांदी के ताले लेने के लिए एक ऑफर आया था, तो क्या ऑफर था और किस चीज को मजबूत करने की बात कांग्रेस के लोगों ने कही थी? किसी व्यक्ति ने हमसे फोन किया कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने उनसे कहा कि भूषण सिंह जी से संपर्क कर लीजिए और कैसरगंज सीट मैं गठबंधन में ले लेता हूं, अपने पास ले लेता हूं और हमारी सीट से लड़ जाएं। तो मैंने उनसे पूछा क्या इस बात को लेकर के जिन लोगों ने धरने हमारे खिलाफ धरने पर बैठे थे और विरोध किए थे वो सारे मामले समाप्त हो गए, वो सारे इशू नहीं रहेंगे क्या? मैडम से बात हो गई तो कहा गया सारी बात हो चुकी है। तो हमने कहा क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों आज हम अच्छे लगने लगे? तो उधर से उत्तर आया कि सबको पता है कि अगर कांग्रेस में वो शामिल हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। वास्तव जी, आप एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं। अब चलिए, जो कहना हो, जो जो बात थी वो कह दिया, अब जो खुलासा हो या जो हो। कैसरगंज में चुनाव नहीं है, कैसरगंज की जनता गुस्से में है, क्योंकि देवीपाटन मंडल, हमारा अयोध्या मंडल, हमारा बस्ती मंडल, ये मैं घर घर से जुड़ा हूँ और जिस तरीके से मैं 1.5 साल से एक खड़यंत्र का शिकार हो रहा हूँ, उस बात को लेकर के हमारे 4, 6, 8, 10 जिले में बड़ा गुस्सा है और वो गुस्सा प्रकट करेंगे करण को वोट दे करके। वही है, वही जो राम रच रखा। 6 बार हम सांसद रहे, 1 बार पत्नी सांसद रही, 1 बेटा विधायक, 1 बेटा सांसद। हमारा राजनीतिक भविष्य क्या है? जनता की सेवा करेंगे। सांसद जी, आपने कल कहा मंत्री की 1.5 लाख रुपए लिखी मैं अपने पास से देता था, जो पहलवान आरोप लगा रहे हैं इसमें से कौन कौन पहलवान से जो पैसा लेते थे? इसमें सब पहलवान जिनको आप जानते हैं, सब 1.5 लाख रुपए में।